Hello everyone. So today we will discuss about concentration terms that we have left in the last lecture. Okay. So in the last lecture we are discussing about different concentration terms, and we have discussed about mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, and molarity, molality. Okay. These things we have discussed. Today we will discuss about mole fraction and part per million. So what is a mole fraction and what is parts per million? We'll discuss about that. First of all, we'll discuss about what is mole fraction. Mole fraction क्या होता है भाई? तो mole fraction मैंने last time बात की थी कि number of moles हम कैसे calculate करते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. बेटा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जिससे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी. ओके, ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट है, जिन दो कंपोनेंट को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है. तो इन दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद से हमारे पास जो इसके नंबर ऑफ मोल्स है ए के वो एन ए है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज एन बी. एन ए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है भाई, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ओके एवरीवन, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. वी विल रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन बाई एक्स. हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं भाई मोल फ्रैक्शन को. तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मान लिया किसका, ए कंपोनेंट का, तो ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन वो एक्स ए रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए के मोल्स भाई, ठीक है. उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है. तो अगर मैं एक्स ए कैलकुलेट कर रहा हूं तो एक्स ए किसके बराबर रहेगा, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा. ऐसे ही अगर मैं एक्स बी कैलकुलेट करता हूं तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है. तो ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ए के, बेटा ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन बी के. अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ठीक है, लेट्स से इफ विल ऐड दीज टू. तो अगर मैंने इसको एक्स ए को एक्स बी में ऐड करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एन ए बाय एन ए प्लस एन बी एंड एक्स बी इज एन बी बाय एन ए प्लस एन बी. तो ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी रहेगा बेटा. This is NB divided by NA plus NB रहेगा. Okay, अगर मैं इनको add करता हूं तो you will find it out कि XA plus XB हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है. तो अगर भाई हमने mole fraction A और B के निकाले और उनका sum करा तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है. Let's say अगर हमारे पास if I components are there, हम लोगों ने अगर I components को क्या करा है भाई, mix करा है, ठीक है, solution बनाने के लिए. तो mole fraction मान लिया x1 पहले component का है, x2 दूसरे का है, x3 तीसरे का है. तो ये हमारे पास मान लिया xi ith component का है, ये किसके बराबर रहेगा, ये हमारे पास भाई 1 के equal रहेगा. तो ये होता है mole fraction कि हमारे पास जो टोटल मोल्स है उसके कंपैरिजन में जिस कंपोनेंट के हमने मोल फ्रैक्शन निकालने हैं वो कितने प्रेजेंट है भाई, वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन कहलाएगा. सो दिस इज अबाउट मोल फ्रैक्शन. नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट पर मिलियन. अब बेटा पार्ट पर मिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पार्ट पर मिलियन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं भाई. ppm को हम लोग यूज करते हैं पॉल्यूशन मेजर करने में, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स को मेजर करने में, कि हमारे पास
NOx कितना है, SOx कितना है, और डिफरेंट कंटामिनेशंस को मेजर करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हैं भाई। अब इसको ppm को हम यूज करने का जो मेजर जो हमारे पास मकसद है वो ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा सॉल्वेंट में बहुत कम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हैं। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी, ppm को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 10 रेस टू पावर 6। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है भाई कि अगर हमारे पास मान लिया कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस 1 मिलियन अगर हमारे पास टोटल मास है सॉल्यूशन का, उसके अंदर कितना परसेंट या फिर कितना जो मास है वो सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो हमारे पास कहलाता है ppm। तो ये हमारे पास बात हुई भी ppm की और मोल फ्रैक्शन की। यू विल ट्राई फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा अबाउट द सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है भाई, कौन बताएगा सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी, जस्ट थिंक, आप लोगों ने मिक्स करके देखा होगा भाई दो चीजों को, तो दो चीजों को मिक्स करने से एक चीज दूसरे में सोल्युबल हो जाती है, उसे हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है बेटा, नाउ वी मूव ऑन टू सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है, सोल्युबिलिटी होता है भाई कि कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो जाता है, या फिर एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सोल्युबिलिटी के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या करा, एक बीकर लिया भी, उस बीकर के अंदर हम लोगों ने मिक्स करा NaCl को, सोडियम क्लोराइड इन वॉटर हम लोग मिक्स कर रहे हैं अभी, ओके। अब मैंने सोडियम क्लोराइड डालना शुरू करा और मैं सोडियम क्लोराइड डालता रहा, मैंने उस टाइम तक सोडियम क्लोराइड डाला जिस टाइम आपके पास और सोडियम क्लोराइड या फिर और सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा था। अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें और कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है भाई। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाना है अभी, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास बात आती है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों हमारे पास ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम मॉलिक्यूलर स्केल पे जाते हैं, ठीक है, या फिर एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, देन वी फाउंड आउट कि जैसे ही हम लोग NaCl को वॉटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है भाई कि हम लोग और NaCl डिसॉल्व नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है भाई, हम जो NaCl डाल रहे हैं, NaCl जो डिसॉल्व कर रहे हैं, वो NaCl डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन के अंदर NaCl है वो NaCl क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो जो प्रोसेस है हमारे पास, क्या प्रोसेस है भाई डिसॉल्व करने की NaCl को वॉटर के अंदर, वो होती है डिसोल्यूशन। अब क्योंकि और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर से NaCl या फिर जो सॉल्यूट है वो बाहर आ रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस भी। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है। तो अगर ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है
तो उस टाइम जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और जितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी भी। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी को लिखना चाहूं, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो हम कैसे करेंगे? सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या रहेगी भी, सॉल्युबिलिटी हमारे पास रहेगी, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a solvent to get a saturated solution. अब एक solution का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं unsaturated solution also, ठीक है? या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट व्हेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू प्रोसेस डिसॉल्यूशन एंड कंडेंसेशन इज अटेंड, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है भाई, ये तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्या रहेगा भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है भाई, जिसके अंदर और सॉल्यूट अगर ऐड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ द थिंग इज कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स टू अस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहले हम बात करेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है भी? अगर मैं सॉल्युबिलिटी करता हूं या फिर सॉल्युबल करता हूं सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो भाई सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा प्यारे बच्चों, वो फैक्टर रहेगा हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उसका नेचर क्या है, वो पोलर है, वो नॉन पोलर है, पोलैरिटी, और हमने अलग से डिस्कस की थी भी पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूशंस के बारे में, या फिर पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। पोलर हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर डाइपोल्स जनरेट हो जाते हैं, जिसके अंदर चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए, तो भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है अलाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या था भाई, कि पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, तो पोलर डिसॉल्व पोलर, मतलब पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेगा भी, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेगा। जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ही सिंपली मैं NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं भी, तो भी मैं NaCl को वाटर के अंदर बहुत आसानी से डिसॉल्व कर सकता हूं, ठीक है? लेकिन मैं अगर NaCl को किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं जो कि नॉन पोलर है, वाटर पोलर है भाई, NaCl भी पोलर है, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो इन दोनों को डिसॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए जो नेचर ऑफ सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसके ऊपर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है भाई, वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा भाई, सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर।
तो भाई अगर हम लोग बहुत ही सिंपली बात करें, तो अगर मैं नमक को पानी के अंदर डिसोल्व कर रहा हूं या फिर शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहा हूं, तो जिस टाइम हम लोग हीट करते हैं सॉल्यूशन को, हम लोग सोल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं अभी। एक है कि हम जिस टाइम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, उस टाइम अगर हीट रिलीज होती है, जैसे इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि मेरे पास कास्टिक सोडा या फिर NaOH जिससे सोप बनाई जाती है, उसको अगर मैं पानी के अंदर मिक्स करता हूं तो उसके अंदर से हीट निकलती है भी, ठीक है। तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर मैं किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करता हूं और हीट निकलती है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? या फिर अगर मैं किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करता हूं और हीट यूज होती है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? ये दो चीजें हमने स्टडी करनी। तो भाई टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए हमें क्या करना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करना है। भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने मिक्स करा, पहला जो फैक्टर, पहला जो मैं कंसिडर करता हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद, कि जो रिएक्शन है वो क्या है? वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन प्लस क्या रिलीज होगी? भाई हीट रिलीज होगी। इस केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो सोलिबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या इफेक्ट होना चाहिए? भी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, क्योंकि पहले से ही ये जो रिएक्शन है भाई, ये इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि पहले से ही हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? भी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं? ये प्रिंसिपल है भाई हमारे पास चैप्टर इक्विलिब्रियम में, हम लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था भाई। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब भाई जिसमें हमारे पास क्या हीट यूज हो रही है या फिर हीट रिलीज नहीं हो रही, तो उस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी हमारे पास क्या होगी? भाई सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी भी, कि हमारे पास दो चीजों को मिक्स करने से अगर हीट रिलीज होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घटती है, और अगर दो चीजों को मिक्स करने से हमारे पास हीट यूज होती है या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो वो हमारे पास सोलिबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो। अब हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है भाई, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा, हम उसकी बात करते हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो है भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब बेटा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, या फिर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि सॉलिड्स के ऊपर और लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर जो है वो सॉलिड और लिक्विड को इफेक्ट नहीं करता।